तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो मेरे एक नए ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की ब्लॉग को शुरू करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग को ये बताने वाला हूं कि अपना चैनल हमें कितना दिन हो गया बना के और कितने दिन में हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ, ये सारी डिटेल आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहें। और आज हम चलते चलते ब्लॉग बना रहे हैं, तो कुछ इस तरह का देख सकते हैं, यहाँ का नज़ारा है। और अब आज हम रेलवे स्टेशन यानी प्लेटफार्म पे आए हैं, तो यहीं से सोचा हमने बना लेंगे वीडियो। और सकते हैं यहाँ का कुछ इस तरह का नज़ारा है। तो हम आए थे घूमने के लिए रेलवे स्टेशन पे, तो हम सोच रहे थे कि आप लोग को बताएं हम कितने दिन हो गया हमारा चैनल बना के और कितने दिन में हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ है। तो आज की वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक पर रहेगी कि हम कितने दिन में बनाए। तो हमारा चैनल बना के काफ़ी दिन हो गया, मतलब हम ये चैनल बना के 2021 में शायद बनाया हूँ। इससे पहले भी हमारा एक चैनल था, तो हमें पता नहीं था YouTube के कुछ गाइडलाइन के बारे में। तो वो मेरा चैनल मैं किसी दूसरे की वीडियो अपलोड करके अपलोड कर दिया था, तो उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक मिल गया। 3 कॉपीराइट स्ट्राइक मिला। और कब मिला? 2020 में, यानी लॉकडाउन में। तो जब वो मिल गया था तो एक बार चैनल डिलीट हो गया, फिर बाद में चालू हुआ, फिर डिलीट हो गया, तब चले गया, एकदम ख़त्म हो गया। तो फिर हमने वो चैनल बनाया, तो हमें पता नहीं था फिर वीडियो डालने के लिए, तो हमने छोड़ दिया था एकदम से उस पर वीडियो ही बनाना। मैं आप लोग को बता दूं, मेरा चैनल 28 दिन में मोनेटाइज हुआ है। और एक बार हम और कैसे हुआ ये भी बताएँगे। हमारे लाइव में बहुत सारे लोग आते थे और जो भी हुआ है हमारे लाइव स्ट्रीम से हुआ था। बाकी हमारी वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रही, शॉर्ट वीडियो में तो बहुत आती थी लाखों में, लेकिन शॉर्ट वीडियो से चैनल मोनेटाइज करना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है, उसे किस्मत की बात है। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग से तो मेरा 28 दिन में, यानी 28 डे में हमारा चैनल पूरा कम्प्लीट ही 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा हो गया। और हमने 4000 घंटा वॉच टाइम पूरा कर लिया। और आज हमारे सब्सक्राइबर भी करीब 24-25 हज़ार होने वाले हैं। और कितने दिन हुआ हमको चैनल पे एक्टिव रह के? हमको सिर्फ 6 महीने हुआ है एक्टिव रह के। 6 महीने में मुश्किल से 1 महीने कंटिन्यू हमारा लाइव चला, अच्छा चला। लेकिन 28 दिन, मतलब 30 दिन भी नहीं हुआ, 28 दिन में ही मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। और 6 महीने हो गया हमें चैनल बना के, मतलब चैनल तो बहुत पहले बना था लेकिन काम हम 6 महीने से कर रहे हैं। और आज हमारा चैनल मोनेटाइज है और पैसे भी आ रहा। और हमारा दूसरा भी चैनल है जिसका नाम इम्तियाज ऑफिशियल है, उस पर कुछ ही दूसरा रिलेटेड वीडियो डालेंगे, क्योंकि उसमें टेक न्यूज़ के बारे में रिलेटेड डालेंगे वीडियो, मतलब हर एक चीज़ के बारे में जानकारी देंगे उसमें। और ये जो चैनल है ये ब्लॉग से रिलेटेड रहेगा। ये जो भी कुछ हुआ है हमारे लाइव से हुआ है, हमारे लाइव में आप भी जाके देख सकते हैं। हमारे लाइव में 75,000, 76,000, 20,000, 30,000, 10,000, 15,000, 8,000, 2,000, ऐसे बहुत सारे लाइव स्ट्रीमिंग पड़ा है, तो इसलिए हमारा चैनल बहुत जल्दी मोनेटाइज हुआ है। तो आप लोग भी अपना चैनल मोनेटाइज कराना चाहते हैं तो आप लोग भी लाइव कंटिन्यू करें और एक टाइम फिक्स रखें, ज़्यादा ना कर पाएँ तो एक टाइम कोई फिक्स करके उस टाइम पर आप रेगुलर लाइव आया करें। और लाइव आया से आते ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और मेरा दूसरा चैनल जो हमने बनाया है वो अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, बना के छोड़ दिया था, लेकिन अभी उस पर भी काम कर रहा हूँ। बना के 3-4 महीने हो गए लेकिन काम कर रहा हूँ अभी 2-3 दिन से। उस पर भी 71 सब्सक्राइबर भी हो गया और लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू हो गया है। उसको भी हम अपना चैनल 1 महीने के अंदर अंदर वो भी चैनल मोनेटाइज करा लेंगे। तो आप लोग अगर किसी चीज़ के बारे में YouTube से रिलेटेड अगर कोई जानकारी पूछना चाहते हैं तो आप हमारे लाइव में मिल सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल करना ना भूलें, ताकि आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आप लोग के भी 50 सब्सक्राइबर पूरे हो गए और आपका लाइव स्ट्रीमिंग चालू नहीं हो रहा, तो आप लोग हमारी एक हमने वीडियो डाला है, आप लोग जाएं हमारे चैनल पर देखिए, उसके बारे में हमने पूरी जानकारी दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं वो वीडियो और बताएंगे कैसे हुआ हमारा 50 सब्सक्राइबर पूरा हुआ। उसके बाद हमने अपना लाइव स्ट्रीमिंग चालू करवा लिया, क्योंकि चालू नहीं होता है ऐसे, उसमें बहुत सारे कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन, उसको पूरा करना है, उसको फॉलो करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमने वो वीडियो डाला है, तो आप लोग जाएँ हमारी वीडियो को देख लें और देखिए कुछ इस तरह का है। हम रेलवे स्टेशन पर हैं और हवा चल रही है, बारिश मतलब रुकी ही नहीं रही है, बारिश इतनी बारिश हो रही है, सच में बताऊँ ठंडी लग रही है। तो ये देख सकते हैं फिर से बारिश आ गई और बादल देखिए, बादल तो देख नहीं रहा होगा क्योंकि पूरा ब्राइटनेस एकदम ज़्यादा दिख रहा है इससे। और
यहाँ आप लोग को दिख रहा होगा पानी टपक रहा, देखिए ये बारिश का। और ये रेलवे स्टेशन है, तो कुछ इस तरह का। और अभी मौसम बहुत ही अच्छा है कसम से, क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आ रहा है। तो कैसे पूरा हुआ है 28 दिन यानी 28 दिन में पूरा हुआ हमारा वॉच टाइम। और क्यों हुआ, क्योंकि हमारे लाइव में भी पहले देखिए लाइव में किसी के इतने लोग जुड़ते नहीं। आप लाइव स्ट्रीमिंग कंटिन्यू कर रहे, हम भी लाइव स्ट्रीमिंग ऐसे कर रहे थे, हमारे लाइव में लोग कितना जुड़े थे, 2, 4, 6, 8, 10 हदन से हदन हमने देखा था 11 लोग जुड़े थे। बस ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, करते करते अचानक 50-60 हुए, फिर 50-60 से 250-300-400-500 लोग एक बार में आ रहे थे। तो ऐसे से 70-75 हज़ार 20 हज़ार 30 हज़ार 10 हज़ार 5 हज़ार 7 हज़ार हमारे लाइव में डेली जुड़ते थे। तो अगर हम लाइव स्ट्रीमिंग अगर हम 10 मिनट कर देते थे, 10 मिनट का हमको 22 घंटा वॉच टाइम मिलता था। अगर हम 15 मिनट करते थे तो 30-35 घंटा हमको वॉच टाइम मिल जा रहा था। और एक बार हमने किया अभी हाल में ही, तो जबकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया तो उसके बाद में हमें किया था, तो 2 घंटा लाइव आया था, 2 घंटे में हमको 260 घंटा वॉच टाइम मिला था। इतना ज़्यादा वॉच टाइम मिल रहा था। अगर अब हमारे लाइव में ऐसे जुड़े हमारे नए वाले चैनल पर, तो मुश्किल से 15 दिन में हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो आप लोग भी करें, लाइव स्ट्रीमिंग करें जितना हो पाए, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइव स्ट्रीमिंग करें, और कंटिन्यू एक वीडियो डेली डालते रहें। और वीडियो से भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वीडियो डालेंगे तो आपकी वीडियो लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, और उसी के रिलेटेड आप लोग के चैनल पे लोग जुड़ेंगे। और लाइव से क्या है, लाइव से तो अनजान लोग भी जुड़ेंगे, आते हैं जाते हैं, लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग भी करें आप, और उसके साथ साथ आप वीडियो भी डालें। और आप किस कैटेगरी के वीडियो बना रहे हैं उसका चैनल उसी हिसाब से लगाएं, और उसी हिसाब से वीडियो डालें। आप रेगुलर डालें, और शॉर्ट वीडियो डालना चाहते हैं तो शॉर्ट वीडियो डालें, लेकिन शॉर्ट वीडियो से अगर आप लोग चैनल अपना मोनेटाइज कराना चाहते हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि चैनल मोनेटाइज जल्दी होगा, क्योंकि कई साल भी लग सकते हैं। और क्योंकि शॉर्ट वीडियो से आपको 10 मिलियन व्यूज़ लाना पड़ता है, और 1000 सब्सक्राइबर, वो भी 90 दिन में। अगर हाफ चैनल मोनेटाइज कराना है तो आपको 3 मिलियन व्यूज़ लाना पड़ेगा, और 500 सब्सक्राइबर होना चाहिए। तो इतने आसानी नहीं है, बहुत कम। आजकल देखिए सबके शॉर्ट वीडियो में कितना आ रहे हैं, 2-2.5, 3 हज़ार 5 हज़ार 10 हज़ार व्यूज आ जाते हैं, 20 हज़ार 25 हज़ार आए, तो इतने में कुछ नहीं होने वाला है। 90 दिन में आपको करना है इसका, बहुत ज़्यादा कड़क है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइव स्ट्रीमिंग करें, और उससे ही मतलब खर्च हो जाएगा, क्योंकि हमने भी डाला है और हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया। कम से कम 3 महीने हो गया, 3 महीने में अभी तक लॉन्ग वीडियो पे मतलब 600 से ऊपर व्यूज नहीं आया है। एक वीडियो सिर्फ चल रही है अभी, जो कि है 2600-2700 व्यूज उसमें है, अभी चल रही है, अभी देखेंगे कितना आएगी। तो आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।